ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है मेरे प्रिय बंधुओं। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए हर एक व्यक्ति को। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है, पाप माना गया है। वर्णम कीर्तिम मते लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुद्ध विद्दन्ते ब्राह्मो मुहूर्त संजाग्रन्ते वा पंकज यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर होने लगता है मेरे प्रिय बंधुओं। अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पर। यह समझने का प्रयास करिए कि ये पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इस पॉइंट को आप लोग जरूर देखें। क्या है सफलता का राज? आयुर्वेद के अनुसार, वास्तु के अनुसार इस वक्त पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता 100% प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। ओम परमात्मने नमः। मेरे प्रिय बंधुओं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सफलता का राज, ब्रह्म मुहूर्त। क्या आप जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के विषय में? और अगर आप जानते हैं तो भी इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से देखें, ये हमारी विनम्र निवेदन है आपसे। क्योंकि जो भी आप जानते हैं 100% उनसे बिल्कुल अलग आज आपको जानने को मिलेगा। शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार हमें ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, सफलता का मूल मंत्र क्यों कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त को, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय बंधुओं, क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में जागने से? सर्वप्रथम मैं इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। आप ये समझिए कि हिंदू धर्म से जुड़े वेद, पुराणों और शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को बेहद खास और शुभ माना गया है। रात्रि के अंतिम पहर के बाद और सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है उन्हें हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यानी अमृत वेला कहते हैं। सुबह 4:12 से 48 मिनट तक का ये मुहूर्त होता है। ये समझिए कि हमारी ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है मेरे प्रिय बंधुओं। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए हर एक व्यक्ति को। इस समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है, पाप माना गया है। यह थोड़ी कथा आती है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आप ये समझिए कि वीडियो अगर आपको जरा भी लाभदायक लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी से जुड़ी जो कथा है वो इस प्रकार थी कि ब्रह्म मुहूर्त को लेकर वाल्मीकि जी रामायण में एक कथानक दिया गया है। इनके अनुसार जब पवन पुत्र हनुमान जी हमारे क्या कहते हैं अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तब वो ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचते हैं और वेद मंत्रों का पाठ करके माता सीता को सुनाते हैं। शास्त्रों में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है मेरे प्रिय बंधुओं, वर्णम कीर्तिम मते लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुद्ध विद्दन्ते ब्राह्मो मुहूर्त संजाग्रन्ते वा पंकज यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर होने लगता है मेरे प्रिय बंधुओं। इसलिए आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। अब हम लोग आइए समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का प्रकृति से क्या संबंध है। जैसे हम लोग भी प्रकृति के ही अंश हैं, परंतु आप प्रकृति से देखिए कि ब्रह्म मुहूर्त क्या क्या संबंध है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का
बहुत ही गहरा संबंध है। इस समय में पशु पक्षी तक जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठते हैं, मुर्गे बाग देने लगते हैं, एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है कि निद्रा का त्याग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और दैनिक कार्यों में लग जाओ। हे मनुष्यों, इस विषय पर हमारे वास्तुशास्त्र क्या कहते हैं, इस पर भी हम लोगों का चर्चा करना अति आवश्यक है। तो हमारे वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना उठने वाले को सफलता की प्राप्ति होती है। ये समझने का प्रयास करिए, सफलता की प्राप्ति होती है, सफलता की अधिक सफलता की प्राप्ति की संभावना होती है। वास्तु के अनुसार इस वक्त पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरी रहती है और सुबह उठने पर जब यह ऊर्जा हमारे अंदर की ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें सफलता 100% प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। मेरे प्रिय बंधुओं, अब हम लोग आ चुके हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पर। यह समझने का प्रयास करिए कि ये पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इस पॉइंट को आप लोग जरूर देखें। क्या है सफलता का राज आयुर्वेद के अनुसार? आयुर्वेद के अनुसार मेरे प्रिय बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होने लगता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक व व्यवहारिक पहलुओं और लाभ को जानकर हर रोज इस शुभ घड़ी में हमें अवश्य जागना चाहिए, अवश्य जागना चाहिए, अवश्य जागना चाहिए। सो मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों ने क्या जाना यहाँ पर? हमें ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, इस विषय पर भी हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो को आप देखने का प्रयास करें, 100% आपको ब्रह्म मुहूर्त के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी वहां से भी प्राप्त होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ओम परमात्मने नमः।